हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी आपका हार्डवेयर है, यानी कि इंटेल का मदरबोर्ड है या किसी एनवीडिया का या किसी भी कंपनी का हो, तो आप उसका वर्जन कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि करना क्या होगा। सबसे पहले बता दो कि आपको कंप्यूटर है, उस पर मैनेज पर क्लिक कीजिए। ये मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है, तो आपका कंप्यूटर तो नहीं होगा आशा करता हूँ, या अगर आपका कंप्यूटर ऐसे नहीं दिखा रहा तो चलिए आप राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिवाइस मैनेजर, जो कि वही ऑप्शन है जो हम यहाँ पर देखना चाहते थे, मैनेजर वाला। तो आप इस पर क्लिक करके वैसे भी जा सकते हैं, तो क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए डिवाइस मैनेजर आपका खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कैसे आपको क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपका डिवाइस मैनेजर खुल चुका है। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसका वर्जन नहीं मिल पाता, तो आप चिंता मत कीजिए, आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको फाइंड करना है, तो चलिए जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि आपको कई बार क्या होता है कि वीडियोग्राफी का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसका वर्जन नहीं मिल पाता आपके कंप्यूटर में, तो आप उसको कई बार डाउनलोड कर करके छक चुके हैं, ये आपको सही सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा है। तो आपको हम बता दें कि आपको करना क्या होगा। तो इस पर आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्प्ले अडेप्टर, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि मेरा मोबाइल इंटेल है, चिपसेट फैमिली, यहाँ पर मेरा मदरबोर्ड इंटेल का है, तो मैं यहाँ पर इसका वर्जन देख सकता हूँ कि कितना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर एक ड्राइव का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है कि ड्राइव वर्जन यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्जन को आप इंटरनेट पर वेब पेज खोलिए और वहाँ पर आप इसका वर्जन भी लिखिए, और वर्जन लिखने के बाद आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलेगा वो आपका इंटेल का ही होगा, और उसको आप इंस्टॉल कीजिए आपके कंप्यूटर में, वो ज़रूर काम करेगा, न कि आप किसी भी इंटेल के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना होगा। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि साउंड के लिए जो सा भी ड्राइवर चाहिए होता है वो आपका वर्जन दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इस वही वो प्रोसेस अपनानी है, यहाँ पर भी दिखा रहा है डिवाइस ड्राइवर मैन वर्जन। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये वर्जन है, इसी वर्जन का मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था और मैं आज इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैंने भी क्या किया था कि कई बार बिना वर्जन के ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने शुरू कर दिए थे, लेकिन जो कंप्यूटर में नहीं लग रहे थे मैंने काटने पड़े, मेरे बेकार के पैसे लगे, और आप नहीं चाहते होंगे कि आपके बेकार के पैसे लगे। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो चलिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बहुत सी बनाती रहती हैं जो आपके कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने में काम करेंगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए हमारी वीडियो को अब आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।